अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जर्म है और मैं एक फॉर्मर स्टूडेंट थी FSC ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज मीरपुर मथेरा, एंड आई एम अ करंट सीनियर एट माउंट वर्नन हाई स्कूल. सो ओवर द कोर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव लर्न्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आज हम उस पर बात करेंगे. सो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. सो कम्युनिकेशनल स्किल्स जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेसिस होती है, there are a set of skills that are required for effective communication. They include the ability to use language and then express information. So the purpose of communication is to get your message across to others. So hum log communicate karte hain apni daily basis pe, aur hum log language use karte hain, hum log non-verbal and verbal language use karte hain, aur hum उन वेज के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी बात अक्रॉस कर सकते हैं. लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स आते हैं व्हेन यू आर लाइक टॉकिंग और लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, तो यू हैव लाइक सम बैरियर्स दैट कम. तो सबसे पहला बड़ा जो बैरियर होता है वो एम्बिग्विटी होता है, जो बात वेग हो और दूसरे को समझ नहीं आती, वो बात इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो सकती. सो लाइक मैं लाइक अपनी लाइफ में फेस किया है कि लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन एंड मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ या मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि वो दूसरे को बात समझ नहीं आती, और बेशक दूसरा उस वक्त मनाक है और फिर वो बात क्लियर नहीं होती, तो इन द एंड वो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. दूसरा जो आता है वो होता है ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन. जब मैं किसी पे बहुत बड़े लाइक इन्फॉर्मेशन डंप करती जाऊँ, लाइक मैं कोई बात कर रही हूँ, किसी को कुछ समझाने का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, किसी को ट्यूटर कर रही हूँ, या मतलब मैं खुद समझ रही हूँ किसी टीचर से, और वो ओवरलोड कर दें इन्फॉर्मेशन, तो आपका माइंड जो उसकी कैपेसिटी है वो उस टाइम पे उस सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो पाती. दूसरा होता है रिफ्यूजल टू एक्सप्रेस. मैंने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा देखा है कि मेरी फ्रेंडशिप्स में भी और लाइक मेरे अदर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी देयर इज लाइक अ रिफ्यूजल टू एक्सप्रेस लाइक योर इमोशंस. तो अगर आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो दूसरे को समझ नहीं आएंगे. सो फिर वो वेगनेस आ जाती है जब आप रिफ्यूज कर रहे होते हैं एक्सप्रेस करने से, दूसरा काइंड ऑफ लाइक जंप्स टू कंक्लूजन्स, तो एक काइंड ऑफ वो बैरियर आ जाता है वेयर लाइक यू लाइक टेलिंग समवन कि मैं ठीक हूँ और फिर आप ठीक नहीं होते, या आप उनसे नाराज होते हैं, आप उनको नहीं बता रहे होते. तो जब आप एक्सप्रेस नहीं करते, अपने फीलिंग्स को एडमिट नहीं करते, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती. एक और जो आ जाता है पॉइंट वो आता है डिस्ट्रस्ट. जब कोई किसी का ट्रस्ट ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल आप लाइक यू वर्क थ्रू योर डिफरेंसेस, आप एक टाइम पे दूसरे को लाइक आप यू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट एक काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है डिस्ट्रस्ट की जो आपको काइंड ऑफ लाइक होल्ड बैक करती है उनसे प्रॉपरली आगे कम्युनिकेट करने में. आप उनको कोई बात बताना चाह रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, मे बी आगे कर दें, तो वो जो एक फीलिंग डिस्ट्रस्ट की आ जाती है उसकी वजह से काफ़ी रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफ़ी रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं. एक और पॉइंट जो आ जाता है वो है गिविंग अप, अनविलिंग टू फर्दर कम्युनिकेट. यूजली होता है आप लड़ाई में गुस्से में आपको कोई आपसे कुछ अज्यूम कर लेता है, वो जंप टू कंक्लूजन्स कर देता है, और आप इतने गुस्से में होते हैं या आप इतना हर्ट होते हैं कि आप बस यू गिव अप एंड यू डोंट वॉन्ट टू कम्युनिकेट एनी फर्दर. आप कहते हैं ओके आपने जो समझना आप समझे, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक इट फर्दर. तो जब आप गिव अप कर देते अपने रिलेशनशिप्स पे, तो आप यू कैन नॉट वर्क थ्रू दोज डिफरेंसेज बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू वर्क थ्रू दोज डिफरेंसेज. एक और आता है कंस्ट्रक्टिंग बॉडी लैंग्वेज. ये यूजली मैंने देखा है फ्रेंडशिप्स में और कभी कभार प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी, कि यू आर टेलिंग समवन समथिंग बट योर बॉडी इज सेइंग अदरवाइज. यू नो लाइक मैं किसी को बता रही हूँ कि इट्स ऑल गुड, या फिर मैं किसी के लिए खुश हो रही हूँ, बट किसी मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही हो. अगर दूसरा पर्सन या मैं खुद नोटिस करूँ कि दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्टर्स, उनके पोस्टर्स बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट दे आर सेइंग, वो फिर एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट की आ जाती है, जहाँ पे या तो मैं कन्फ्यूज रहती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इनका अंदर से क्या फीलिंग है, या फिर मुझे होता है कि ओके दे डू नॉट वॉन्ट, देर नॉट लाइक जेन्युइन टू मी, तो वो फिर सारी जो आ जाती है ना वो आ जाती है, एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में, जब दूसरा प्रॉपरली एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो या उनके बॉडी एक्शंस उनकी वर्ड्स से मैच ना कर पा रहे हो. एक और आता है फेशियल एक्सप्रेशन.
यूजली लाइक आप खुश हो रहे होते हैं किसी चीज पे या आप दुखी हो रहे होते हैं किसी की बात आपको हर्ट करती है लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन उनको बता नहीं पा रहे होते हैं. लाइक आप हैप्पी होते हैं लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह नहीं होते कि हैप्पी हो तो दूसरा समझता है जेन्युइन नहीं है. तो यूजली जब ये सारा होता है देन देयर इज अनदर लाइक इट कम्स टू बी लाइक अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में लाइक मेरी काफी दफा ऐसी लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं दूसरे लोगों के साथ जिनमें या तो वो मुझे लाइक इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं बता रहे थे या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन इतने डिफरेंट थे कि आई वॉज लाइक गिविंग अप. तो लाइक विद दीज लेसन्स के आई लर्न्ड के यू हैव टू लाइक वर्क थ्रू दोज डिफरेंसेस. आपको अपने एक्सप्रेशन और अगर आपके एक्सप्रेशन मैच नहीं कर पा रहे योर बॉडी लैंग्वेज एंड यू फील लाइक द अदर पर्सन इज नोटिसिंग यू हैव टू एड्रेस इट देयर एंड देन. लाइक रिफ्यूजिंग टू एडमिट और एक्सप्रेस अपनी गलतियां भी कम्युनिकेशन में लाइक काफी हर्डल्स ला सकता है. So we're moving on to slide number 4. There is a quote from Milton Erickson. Mujhe ye quote bahut pasand aaya tha. It's the effective nature of communication is not defined by the communication but by the response. Oftentimes hum ye baat bhul jate hain ki jo dusra hai hum uske liye communicate kar rahe hain. To hame lag raha hota hai ki jo hamari communication hai wo perfect hai. But agar unka response aisa hai ki unko baat samajh nahi aayi. For example if it's like a teacher student relationship. एक टीचर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा होता है लेकिन अगर एक स्टूडेंट को थोड़ा वो एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा फोकस चाहिए होता है तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन उस बेसिस पे होती है कि स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है. इफ द स्टूडेंट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन यू हैव टू बी मोर इफेक्टिव. अगर आप अपनी बात एक दोस्त को समझाना चाह रहे हैं आपके दोस्त को पहली दफा समझ नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने गलत बोला है. इसका ये मतलब है कि यू हैव टू लाइक मीट इन द मिडल जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव हो कि उनके रिस्पॉन्स से आपको पता चले यू हैव इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड. ये स्लाइड नंबर 5 है. ये लाइक मुझे 5 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन गोल्स. तो पहली स्टेज तो है इंफॉर्मेशन. इट्स लाइक जस्ट कन्वेइंग अ सिंपल थिंग लाइक आप एक बात कर रहे हैं दूसरे को समझ आ गई है. इट्स लाइक ऑन द सर्फेस लेवल. दूसरा है पर्सुएशन. आप काफी दफा अपनी लाइक मम्मा को अग्री करवाना चाह रहे होते किसी चीज पे सो यू हैव टू लाइक डिग डीपर फॉर दैट. आपको कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना होता है जो उनको लाइक कन्विंस कर सके या अगर वो ऐसा कोई पॉइंट करती है जो आपको लगता है कि ओके ये मतलब ये पॉइंट दिस मेक्स सेंस. तो यू हैव टू लाइक मीट इन द मिडल एंड मेक श्योर यू बोथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू पर्सुएड वन अनदर. तीसरा अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप की बेसिस होती है. It like forms all the base for the other relationships to come. So agar aapke dimyan mutual understanding nahi hai to phir it's like a hollow relationship, you know. So understanding ke liye aapko like on the surface level wali ye jo short talks small talks hoti hain ye nahi karni hoti. You have to like dig deeper. Deep baatein karni hoti hain aapko. Emotions ko understand karna hota hai aapko. Clearly express karna hota hai aapki body language aapke facial expressions. एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको अपने हर एक्शन को अपने वर्ड्स के साथ मैच करना होता है. तीसरा आता है टू गेट एक्शन. एक कम्युनिकेशन होती है कि आपको कोई ऑर्डर मिलता है आपको समझ नहीं आती यू कैन नॉट टेक एक्शन ऑन इट. तो आपको वो सारे इंफॉर्मेशन आपको पर्सुएशन आपको अंडरस्टैंडिंग वो सारे बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं ताकि आप उस चीज पे एक्शन ले सकें. जो पांचवा आता है वो है चेंज. To change someone's behavior. ये एक easy काम नहीं है because you have to like go through so many like different barriers, go through so many levels of communication in order to change someone's habit, change someone's something like आपको उनको अगर कुछ change आना होता है किसी भी चीज में तो you have to like really really communicate. और like मैंने ये अपनी life में face किया था कि मैं यहाँ पे एक साइंस फेयर कर रही थी. तो इन द फर्स्ट मुझे बिल्कुल आई वॉज लिटरली क्लूलेस कि मतलब हमने क्या करना है. तो आई वॉज लाइक 1 month बिहाइंड ऑन माई वर्क. तो फिर मैंने अपनी टीचर से बात की कि मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू लाइक डू द एक्सपेरिमेंट क्योंकि यहाँ पे लाइक सबको पता था क्योंकि वो सॉफ्टमोर फ्रेशमैन ईयर से कर रहे थे. मैं जूनियर ईयर में आई थी तो आई वॉज लाइक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं था कि लैब रिपोर्ट करनी थी. तो आई She gave me the information. I wasn't able to understand it.
So we met on like a common ground where I was like, okay, मैं आपको after school मिलूंगी, you can help me with this, I need help with this. So वो मेरी तरफ से एक effective communication थी जिससे मेरी teacher को पता चला I was unable to do it. मैं वैसे late नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो उस basis पे हमारी एक understanding, mutual understanding develop हुई जहाँ पे मेरी teacher को समझ आया कि okay, she has to help me a little over here, a little over there. उसके बाद action. मैंने अपना experiment start किया. मैंने एक्शन लिया, मेरी टीचर्स ने मुझे हेल्प की क्योंकि मैंने उनको परसुएड किया था, उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी. तो इससे एक बिहेवियर में चेंज आया कि मतलब मेरा एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया. उसके बाद से मेरी टीचर्स को ये पता था कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बाकी बच्चे फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर ईयर से कर रहे हैं, शी हैज़ टू लाइक एक्सप्लेन इट टू मी इन अ डीपर वे. तो दिस काइंड ऑफ लाइक सेट अ बेसिस फॉर द फ्यूचर कि इवन इन माई सीनियर ईयर नाउ आई हैव द सेम टीचर फॉर बायोलॉजी अगेन. एंड She was explaining another concept and she was like, okay, Zarma, I'll explain it to you in major time. Because unko ye baat yaad rahi ki mujhe ye abhi foreign ek glance mein samajh nahi aayega kyunki wo ek aise year se reference kar rahi thi jab main yahan pe nahi thi. So, does anyone have any questions? I think, Zarma, you may continue. Abhi, aap isko complete kar lein, phir hum aapse sawal karenge. Waise, agar kisi ka question hai, to kar sakte hain. बहुत अच्छी बातें बताई. मुझे लगता है कि ये जो एम्बिग्यूटी वाली ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन, रिफ्यूजल टू एक्सप्रेस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रही होती है. और ये जो एक बात मुझे जो बहुत टच की वो ये कि हमें काम करना है विद दोज डिफरेंसेस. यानी हम जो चीज़ हम कम्युनिकेट हम नहीं कर पा रहे होते, हम अपने से जो एक अजम्पशन बना के बैठ जाते हैं और हम दूसरे बंदे के लिए उसको उस डिफरेंस को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है. और कम्युनिकेशन खत्म होता है तो फिर बहुत बड़े बड़े गैप बनते हैं. ठीक है, तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जर्मा, आप आ जाए. सो मैंने बैरियर्स एड्रेस कर लिए. अब मैं आपको बताती हूँ द स्ट्रेंथ्स ऑफ लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो सबसे पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि आपका जो मैसेज है वो अक्रॉस जा रहा है आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को. ये पहले मैं पैराबर्बल कम्युनिकेशन पर बात करती हूँ. आई एम सॉरी. सो पैराबर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू पैराबर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द मैसेजेस दैट वी ट्रांसमिट थ्रू द टोन, पिच एंड पेसिंग ऑफ आवर वॉइसेस. यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी. एक में एम्फेसिस जो है आपकी पिच जो है आपकी जो टोन है वो से पे आ रही है, एक पे यू पे आ रही है और एक पे स्टूपिड. तो एक है आई डिडंट से यू वर स्टूपिड. तो अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल कोई इस तरह कहता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पूरा एक लेवल आता है जहाँ पे आपको या तो लग रहा होता है आप गैसलाइट हो रहे हैं या आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको ये फील हो रहा होता है कि आपको कोई स्टूपिड बुला रहा है. लेकिन जब आप उनसे एड्रेस करते हैं बाद देन दे आर लाइक ओह आई डिडंट से यू वर स्टूपिड, तो आपको उनके एक्शन से फील हो रहा होता है. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लाइक आई सेड आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्शंस दोनों मैच करने चाहिए. इफ समवन्स बॉडी लैंग्वेज इज मेकिंग यू फील समथिंग, जो उनके एक्शंस आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपके उनके एक्शंस प्रोबेबली आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई और इमोशन शो कर रही है, एंड देन व्हेन यू एड्रेस इट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, तो वहां पे एक बहुत बड़ा हर्डल आ जाता है कम्युनिकेशंस में, जो कि यूजुअली काफी रिलेशनशिप्स को लाइक उनकी बेसिस को हॉलो कर देता है और फिर लाइक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते रिलेशनशिप्स. दूसरा है आई डिडंट से यू वर स्टूपिड. तो ये यूजली दोनों सेंसेस में यूज किया जा सकता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपको या तो मिस लाइक आप यू जंप टू कंक्लूजन्स, आपने कुछ देखा, आपने उससे इन्फर कर लिया, आपने लाइक एक अजम्पशन बना ली. अगर आप अजम्पशंस को एड्रेस नहीं करेंगे दे विल स्टे इन योर माइंड एंड उनकी जो रूट्स हैं वो डीप होती जाएंगी. So if you address them, you'll probably, it's either going to be clear out for you, ya phir aapko ek aisi level ki samajh aa jayegi ki ya to ye friendship ya relationship ko mujhe is tarah deal karna hai, ya I have to let this one go, ya mujhe is baat pe work karna hai ya dusre ko is baat pe convince karna hai ki they have to work in order to meet me at the same level. Ek hota hai, I didn't say you were stupid. To ye usually hota hai jab aap assume kar lete hain. तो लाइक मेरी दफ़ा काफ़ी हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी चीज़ पे हिंट खा रहा है, मुझे लगता है ओ इट्स डायरेक्टेड एट मी. तो फिर मैं जब एड्रेस करती हूँ आई कम टू नो कि मे बी इट्स नॉट डायरेक्टेड एट मी, यू नो.
वो उनके या तो दूसरे ने एक वर्डिंग की चॉइस जो होती है वो बहुत मैटर करती है. अगर किसी की वर्डिंग की चॉइस ऐसी है जो मुझे फील करवा रही है एक सेंटेंस, लेकिन वो आखिर में एड्रेस करते हैं, आई एड्रेस इट एंड दे आर लाइक, ओह आई डिडंट से यू वर दिस, मैं या तो इसकी बात कर रहा था ये बट यू वर नॉट दिस. तो ये यूजली हेल्पफुल होती है इफ यू लाइक रिफर बैक टू इट. और आपकी जो टोन है, आपकी जो पिच है दूसरे से बात करते हैं वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको शायद अंदाजा नहीं हो रहा होता लेकिन दूसरे आपकी टोन और आपकी वॉल्यूम, आपके एक्सप्रेशंस, हर चीज को टेक इन कर रहे होते हैं. एंड लाइक एक दफा इग्नोर हो सकता है, दो दफा इग्नोर हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा दफा होता है ये चीज, ये मतलब अजम्पशंस आ जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, तो समटाइम्स कुछ चीजें बियॉन्ड रिपेयर हो जाती हैं. तो इनको साथ साथ लेके चलना, इनको साथ साथ इन पे वर्क करना, कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, अपनी बात अक्रॉस करना, दूसरे की बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप ये लाइक वर्क प्लेस पे करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जैसे प्रोफेशनल इमेज है वो बढ़ती है, आपको आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, आपको मतलब प्रोफेशनल समझा जाता है, दे ट्रीट यू द सेम एज दे ट्रीट लाइक अदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पीपल. और आपको, आप जिनसे बात कर रहे होते हैं उनसे एक बेटर रिस्पॉन्स आना, अगर आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली करें तो आपको रिस्पॉन्स भी इफेक्टिवली आएगा. अगर आप एक टीम में काम करें फॉर एग्जाम्पल, और यू आर लाइक अ लीडर और आप अपनी बात अक्रॉस कर रहे हैं इफेक्टिवली, यू आर लाइक यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही, यू गो आउट ऑफ योर वे टू एक्सप्लेन इट टू देम, तो इट रियली हेल्प्स इट, योर टीम पिक्स अप द स्पेस एंड लाइक देयर क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू गेट द वर्क डन इन क्विकर टाइम. और आपका एक बेटर कंट्रोल आ जाता है लाइक ओवर द होल प्रोसेस, एक सिचुएशन पे, एक रिलेशनशिप पे, लाइक यू हैव बेटर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. आपको मतलब ना सिर्फ दूसरों से बट अपने आप से भी कम्युनिकेट करना चाहिए. काफी लोग लाइक आई हैव हैड दिस क्वेश्चन आस्क्ड टू मी, बिकॉज मैं कॉलेज के प्रोसेस में हूँ, तो मुझसे काफी दफा पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. तो मुझे मतलब काफी सोचना पड़ा टू लाइक थिंक अबाउट वेयर आई सी माई सेल्फ इन 5 years, वेयर आई सी माई सेल्फ इन 10 years. तो आपको अपने आप से कम्युनिकेट करना होता है. अगर आप अपने आप को डिनायल में रख रहे हैं और आप अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि ओके मे बी आई एम फेलिंग दिस टेस्ट, मे बी आई एम नॉट गुड एट दिस सब्जेक्ट और मुझे इसमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, या मे बी आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट सैड और मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए बाहर से, या मुझे इस दोस्ती पे काम करना है, या मुझे अपने आप के बारे में ये इतना नहीं पता, आई डोंट नो माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो आई हैव टू फिगर देम आउट, आई हैव टू लाइक रियली कनेक्ट विद माई सेल्फ. तो उस हवाले से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू हैव टू बी लाइक कम्युनिकेटिव विद योर सेल्फ. तो अगर आप अपने आप को जानते हैं तो फिर आपकी दोस्तियां भी लाइक देयर वे बेटर एंड देयर वे स्ट्रॉन्गर, बिकॉज यू लर्न हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड लिसन. तो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आपका जो वर्क एथिक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें. एक होता है, अगर आप, एक तो होता है ना कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन में एक होती है एक्टिव लिसनिंग. अगर दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट्स अ फॉर्म ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन टू. इफ यू आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग एंड इफ द अदर पर्सन डजंट फील हर्ड और अप्रिशिएटेड, देन वो रिलेशनशिप्स में लाइक मसले कर सकती हैं. आपको अगर आप स्ट्रेंजर से मिलते हैं एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं है, इट्स नॉट ओपन, तो इट काइंड ऑफ लाइक सेट्स अ होल बेसिस कि वो दोबारा आपको अप्रोच नहीं करेंगे, या फिर वो एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेंगे कि ये बंदा ऐसा है. सो आपके रिलेशनशिप्स उनके साथ भी, फ्यूचर के भी कोई होते हैं तो वो अफेक्ट होते हैं. आपकी कम्युनिकेशन, इफ यू हैव लाइक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपको अपनी बात अक्रॉस करनी आती है, आपको पता है कि आपने क्या बोलना है, आपको पता है कि आपकी बात की दूसरे को कैसे समझ आएगी, आपने क्या वर्ड्स यूज करने हैं, आपने इतनी बात से कैसे बात एक ही रखना है, तो एक वो पूरा एक लुक आता है कॉन्फिडेंस में. स्पेशली अगर आप ये बाहर कोई इंटरव्यू हो रहा है आपका, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको कोई मीटिंग लीड करनी है, इफ यू आर लाइक टॉकिंग इफेक्टिवली तो आपकी एक पूरा एक इमेज बनता है कॉन्फिडेंट, शी नोज व्हाट टू से. तो ये बातें लाइक हम वर्क प्लेस में, स्कूल लाइफ में हम यूजली मतलब हम इन पे ओवरलुक कर जाते हैं कि अगर हम बार बार स्टटर करना इज ओके, लेकिन इफ वी डोंट नो व्हाट टू से एंड वी लाइक स्टम्बल अक्रॉस वर्ड्स, या वी नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, या हमारी बात दूसरे को समझ नहीं आ रही एंड वी लाइक रिफ्यूज टू एक्सप्लेन इट फर्दर, तो ये आपकी एक इमेज को बहुत अफेक्ट कर सकता है. और दूसरा, आपके जो रिलेशनशिप्स उस वर्क लाइफ में या स्कूल लाइफ में बन रहे हैं उनमें भी,
कि अगर एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप और स्टूडेंट टीचर से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट टीचर को बता नहीं पा रहा, कुछ स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू टेक हेल्प, तो आपको अगर खुद समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको समझ भी नहीं आ रही और आप टीचर से भी नहीं पूछ पा रहे तो इट विल नॉट ओनली अफेक्ट योर स्टडीज बट आपका जो रिलेशनशिप है टीचर के साथ, आपका जो रिलेशनशिप है क्लास में, आपका जो रिलेशनशिप अपने ग्रेड्स के साथ, वो सब अफेक्ट होता है. तो ये सारी जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, इनसे आगे हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं बाय ओवरकमिंग देम. तो लाइक दिस बैरियर दैट आई हैड, लाइक आई सेड, विलिंग टू गिव अप ऑन कम्युनिकेशन टीचर के साथ. तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी एक जो रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है, वो नहीं बन सकता, वो फॉर्म नहीं हो सकता. एंड लाइक टीचर आसिया सेड, एम्बिग्विटी, ये काफ़ी दफ़ा दोस्तियों में आती है, काफ़ी दफ़ा मतलब आप एडल्ट लाइफ की दोस्तियों में, बचपन की लाइफ की दोस्तियों में, आपकी दोस्त आपको बात क्लियरली समझा नहीं पाती, या आपकी दोस्त आपसे बातें छुपाती है, या आप किसी से बातें छुपा रहे हो, आप किसी को पूरी बात नहीं बता रहे. तो अगर स्पेशली अगर आप किसी को पूरी बात नहीं बता रहे हो और उनको किसी और से पता चल जाता है, इट लिटरली लाइक आपकी पूरी जो बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, जो ट्रस्ट होता है, उसमें डिस्ट्रस्ट आ जाता है. वो आपको मतलब एक पूरी जो आपकी फ्रेंडशिप की एक स्ट्रेंथ होती है, वो बिल्कुल वीक हो जाती है. फियर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी, यूजुअली हम एक ऐसी पोजिशन में होते हैं जहाँ पे कोई ऐसी कोई बात खड़ा होता है जो हमें पसंद नहीं आती. वाइल मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, एक एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, ये नहीं कि बिल्कुल आप बदतमीजी से बात करना शुरू कर दो एंड यू लिटरली गो आउट ऑफ योर प्लेस टू लाइक करेक्ट देम एंड स्टफ. यू हैव टू लाइक चैलेंज योर बिलीव्स एंड देयर बिलीव्स. किसी को लाइक इन दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो बिल्कुल एंड पे आता है, चेंजिंग समवन्स बिहेवियर टू कॉज चेंज, यू हैव टू बी confident in your beliefs and your values and be able to articulate them. अगर आप अपने thoughts को articulate नहीं कर पा रहे और आप किसी को effectively बता नहीं पा रहे, बेशक वो आपसे authority में बड़ा है, अगर आप respectfully उनको उनकी बात को रोक सकते हो, उनको कह सकते हैं कि I might disagree on this, और आप अपना point clearly बता सकें, there's a possibility कि उनको उस बात की उस तरफ information ना हो and they might change their opinion too. तो when you're like you have a manager or a boss aur aap unko correct nahi karna chah rahe kyunki aapko lagta hai ki agar aap correct nahi karenge to aapki matlab ek image rahegi. Sometimes people do appreciate ki aap unko correct kare rather than them saying the wrong thing over and over again. To kisi ki koi baat, kisi ka koi fact galat hai, aapke history teacher ne koi date galat bol di and you're like afraid to speak up, aap respectfully ek level of respect maintain karte hue agar aap bolenge, it will be highly appreciated. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई टीचर बिल्कुल ऑफेंड हो जाए कि आपने उनकी किसी बात को करेक्ट किया, या आपको किसी बात समझ नहीं आई, या आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आई एंड यू लाइक करेक्ट देम. तो दिस नॉट ओनली एस्टैब्लिशेस कि आपकी प्रोफेशनलिज्म है टीचर के साथ, आपकी हायर एंगेजमेंट है, बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद अ टीचर और विद अ वर्क प्रोफेशनल उनके साथ भी हो जाती है. शर्मा, ये पॉइंट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाज़ दफ़ा हम इमेज को मेंटेन करने के लिए हम बात नहीं करते और हम कहते हैं कि दूसरा ऑफेंड हो जाएगा इसलिए भी नहीं बात करते. तो इसमें हमें ये तरीका सीखना चाहिए कि हम रिस्पेक्टफुली कैसे कन्वे कर सकते हैं जो बात ठीक करने वाली है. इसके अलावा भी एक बात है कि अगर आप सिर्फ इमेज की परवाह करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपके लिए आपके पास बहुत कुछ होगा और आप भी अनेबल टू कम्युनिकेट हो जाओगे. दूसरे तक तो वो बात पहुंची ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही, सिर्फ ऑफेंड होने के डर से आप उसको नहीं पहुंचा रहे. तो ये पॉइंट आपको बड़ा अच्छा था. हाँ जी शर्मा, आप कंटिन्यू करें प्लीज. ऑलराइट, तो अब आता है कि आप इन बैरियर्स को कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव ऑन दीज बैरियर्स. तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का सबसे बेसिस है बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर, दूसरी बात को समझना, उनकी दूसरों की बात को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना. और अगर आपको उनकी बात समझ नहीं आती, आप उनसे पूछें. आप चुप ना हो जाएं कि ओके मुझे इनकी बात समझ नहीं आई तो अब मैं आगे नहीं पूछूंगा, या आपको किसी दोस्त की कोई बात समझ नहीं आई आप आगे नहीं पूछ रहे. इफ यू बिकम एन एक्टिव लिसनर, इफ यू स्टार्ट एक्चुअली हियरिंग व्हाट दे हैव टू से, अंडरस्टैंडिंग इट, तो आप जब आपकी बारी आती है आपको कुछ वॉइस करना है, यू आर एबल टू वॉइस इट बेटर.
अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लाइक टीचर आशा सेड और लाइक फियर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी, अगर यू डू नॉट आर्टिकुलेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन विद टाइम आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है बाहर बोलने का, वो बिल्कुल डिटोरिएट हो जाता है. और लाइक यूजली यहाँ पे जैसे होता है कि हम जब एक क्लास का लेसन हो जाते हैं तो हमारी एक एग्जिट टिकट होती है जहाँ पे हम टीचर्स को फीडबैक देते हैं कि हमने आज ये लेसन किया तो हम इसका फीडबैक क्या दें. और फिर आखिर में एक होता है इफ देयर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी, लाइक आप आस्क करें. तो यूजली ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्लास में नहीं बोलते और फिर वो फॉर्म पे भी नहीं लिखते. नॉट ओनली आर दे नॉट कम्युनिकेटिंग वर्बली, देयर आल्सो नॉट कम्युनिकेटिंग लाइक रिटन. तो आर्टिकुलेटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, टीचर्स को फीडबैक देना. अगर टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस तरह ये बात समझ आई है, लाइक विच वे डू यू वांट टू लर्न, आपको उनको फीडबैक देना चाहिए. क्योंकि ये इन द एंड एक तो आपके टीचर में एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आता है कि ओके उनके स्टूडेंट्स उन पे ट्रस्ट करते हैं इस तरह कि वो इस तरीके से भी पढ़ा सकती हैं, इस तरीके से भी पढ़ा सकती हैं, बल्कि आपको भी इन द एंड वो बात क्लियरली समझ आती है. तो अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, फिर आगे टीचर्स के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे, आप अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे. जर्मा, ये एक कमेंट है आयशा हबीब का कि समटाइम पीपल माइंड इट इवन इफ यू आर चैलेंजिंग देयर ओपिनियन रिस्पेक्टफुली. तो इस पे है कि इस तरह के लोगों को कैसे डील किया जाए इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कोई आपका ओपिनियन? जी, तो अब हर किसी की पर्सनालिटी सेम नहीं होती. कुछ लोगों को दे जस्ट डोंट लाइक टू बी रॉन्ग. तो अगर वो गलत हैं भी और आप उनके पॉइंट को बहुत रिस्पेक्टफुली करेक्ट भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पर्सन एक आपके लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएगा. यू माइट करेक्ट वन टीचर एंड द टीचर विल बी लाइक ओके यस आई वाज रॉन्ग, एंड यू माइट करेक्ट अ वर्क प्रोफेशनल और समवन एल्स इन अथॉरिटी एंड दे विल ईदर लाइक वो आपको कहेंगे कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, या फिर वो आपको मतलब चुप करा देंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, या फिर वो करेक्ट नहीं करेंगे. तो इस टाइम पे आपने अपनी तरफ से जो आपने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दिया, वो आपको हेल्प करेगा फर्दर बाकियों से बात करने में. फिर वो आ जाता है उस पर्सन की अपने साथ अपना रिलेशनशिप. इफ दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग, इट्स नॉट ऑन यू. आपने अपना चैलेंज, आपने उनको चैलेंज किया रिस्पेक्टफुली, आपने अपना वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करके अगर बात की है, तो वो आपको इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा. अगर दूसरे आपके रिलेटिव आपको नोटिस कर रहे हैं, दे नो यू आर नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, तो वो आपका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट अमंग अदर्स है वो भी बढ़ाएगा. एक सिर्फ एक पर्सन के लिए जो आपको डिस्करेज करे या आपकी कम्युनिकेशन को उस तरह इफेक्टिवली ना समझे, तो उससे आप अपनी कम्युनिकेशन को रोक नहीं देते बिल्कुल. अगर कोई एक पर्सन आपकी बात नहीं समझ पा रहा या आपने अपनी बात फुल्ली क्लियर कर ली एंड दे जस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, अगर आप उस बात से डिस्करेज हो जाते हैं, तो फिर आपका फ्यूचर में जो आपके दूसरे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप किसी को करेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल बी एबल टू एडमिट इट, वो आप उसको लाइक बिल्कुल खत्म कर रहे हैं बाय नॉट लाइक बाय लूजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड नॉट डूइंग इट फर्दर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जर्मा आपने. मेरा ख्याल है आयशा को जवाब मिल गया है ये, और आपने बहुत सारे लोगों की ये को इस पॉइंट पे क्लियर किया कि देखें आप अगर उससे डिस्करेज होकर ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, तो आगे किसी के को भी आप कम्युनिकेट करते हुए आप इस डाउट में जरूर आएंगे कि आप ये कंसिडर करना शुरू कर देंगे कि बंदा माइंड करता है कि नहीं माइंड करता, नहीं करता तो उसको बताना चाहिए. तो यहाँ आप अपना जो एक वैल्यू है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हो. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे कि जर्मा ने ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया कि आपको अपने हिस्से का काम अच्छे से करना चाहिए जो कि आपने किया, जिसमें आपको पता है आप गलत नहीं है. थैंक यू जर्मा. जर्मा आप कंटिन्यू प्लीज. नो प्रॉब्लम. तो मोर लाइक मोर टिप्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज टू आल्सो ऑब्जर्व एंड लर्न. तो ना सिर्फ आप खुद करने से, खुद चीजें एक्सपीरियंस करने से लड़ते हैं, बल्कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं. इफ यू आर लाइक सीइंग अ टीचर और अ स्टूडेंट इंटरैक्ट, इफ यू आर सीइंग एक कॉलेज प्रोफेसर और एक काउंसलर या फिर कोई मैनेजर, आपका कोई बॉस, यू आर ऑब्जर्विंग अदर पीपल इंटरैक्ट विद देम, नॉट ओनली डू यू लर्न कि उनकी लाइक कम्युनिकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बल्कि आपको दूसरों से बात करने के लिए अपना पॉइंट क्लियरली, वो वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो उनको समझानी होती हैं, तो किस तरीके से समझानी है वो आप लर्न कर पाते हैं. If you don't observe and if you're not an active listener,
आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको दोस्त को क्या चीज क्या कौन से वर्ड्स किस टाइम पे जरूरत होती है. इफ समवन्स फीलिंग सैड, आपको बात करनी नहीं आएगी, आपको उनकी फीलिंग्स को समझना नहीं आएगा. तो ना सिर्फ आप जब खुद बात कर रहे होते हैं आप दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि जब दूसरे आपस में बात कर रहे होते हैं यू ऑब्जर्व एंड लर्न. तो जर्मा एक सेकंड आपकी बात बीच में मैं चाहती हूँ रोक जाए. आप बहुत बहुत अच्छा हम सबको एक्सप्लेन कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं डीलिंग विद पीपल प्रोडक्टिवली उनको कम्युनिकेट करना. तो ये बड़ा ही एक अच्छा सेशन चल रहा है और लोग आपसे बात करना चाहते हैं. तो जो लोग भी बात करना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड देखिए यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन अफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है. और यहाँ राहील अहमद साहब ने लिखा है कि ये ट्यूटर बीज को का जो के ऊपर आपने कैसे काम करना है, ये आपको अलहदा सेशन में या आपको बिलाल गाइड करेंगे. इस वक्त जो सेशन है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन पे है. तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप डायरेक्टली अनम्यूट योर माइक, यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है जर्मा प्लीज कॉन्टिन्यू. ऑलराइट, तो ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग से आपके स्किल्स डेवलप होते हैं टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. ऑल्सो कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो जब आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, यू हैव टू प्रेजेंट अ लॉट. आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, आपको फेयर्स करने होते हैं, आपको इंटरव्यूज देने होते हैं. तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा वर्क प्लेस में हेल्प करती हैं एंड यू डिवेलप दोज प्रेजेंटेशन स्किल्स. और ऑल्सो अगर आप यू आर एबल टू आर्टिकुलेट अपनी थाट्स केयरफुली एंड लाइक आप बिल्कुल उनको प्रॉपरली और क्लियरली आर्टिकुलेट कर पाते हैं तो ये आपको हेल्प करती है. एंड ऑल्सो राइटिंग, यूजली हमें रिटन पेपर देना होता है, हमें किसी को ई मेल भेजनी होती है, हमें पेपर देना होता है जिसमें हमने स्टोरी या ऐसे लिखना होता है. अगर यू आर एबल टू लाइक वन यू हैव लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू और आपको समझ आती है कि कौन सी बातें किस तरह आपको उनको एड्रेस करना है, कितना एक्सप्लेन करना है, कितना एनालाइज करना है, देन आप अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे कर पाते हैं थ्रू राइटिंग, थ्रू वर्बल एंड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू लर्न हाउ टू लाइक ओवरकम दीज बैरियर्स सो यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद दोज अराउंड यू. ऑलराइट, अब किसी को कोई सवाल? धर्मा आप अगर हमें 5 मिनट दें, बल्कि 1 मिनट दें, तो हम रिव्यू के लिए बिलाल को इनवाइट करेंगे और उसके बाद फिर सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आंसर टाइम है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अफेक्टिव कम्युनिकेशन पे तो प्लीज आए. और जर्मा जो हैं बहुत ही एक मुझे हासिल हुआ है फैज़ के मैंने इनको पढ़ाया है और मैं इनको जानती हूँ. एक बहुत वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जर्मा में देखी है और ऐसी चीज़ें मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट इतने केपेबल होते हैं कि जब आप उनको कुछ सिखा रहे होते हैं तो फिर जब वो कुछ सीख कर डिलीवर करते हैं तो वो एक बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है जो आप खुद भी आपके लिए भी नहीं होती है. तो ये बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आप खुद भी सीखते हैं. तो जर्मा से आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कम्युनिकेशन स्किल पे सेशन है. इसलिए नहीं कि जर्मा मेरी स्टूडेंट है, इसलिए कि आप खुद देख लें इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ क्लैरिफाई कर रहा है. सो एक पॉइंट जो मुझे लगता है मैंने इतना प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया वो ये है कि व्हेन आई वाज सेइंग कि आपको दूसरे को लाइक व्हेन यू आर चैलेंजिंग अथॉरिटी और लाइक यू आर ट्राइंग टू चेंज समवनस ओपिनियन तो आपको खुद भी एक ओपन माइंड रखना होता है इन केस कि आप गलत हैं. लाइक बहुत टाइम्स ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है तो मैं मतलब किसी से इस बारे में बात कर रही होती हूँ एंड लाइक थ्रू द कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज कि ओके आई डिड नॉट नो दिस फैक्ट. तो मे बी मेरे पॉइंट्स इतने एक्यूरेट नहीं थे एंड नाउ दैट दे हैव टोल्ड मी दिस एंड दिस तो अब मुझे समझ आ रहा है कि इस टॉपिक में इससे ज़्यादा और चीज़ें थी जो कि जब उन फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है तो फिर आई हैव टू कीप एन ओपन माइंड टू एडमिट माय मिस्टेक्स एंड टू रियलाइज के दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक हो सकता है. तो अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज कर रहे हैं यू डोंट हैव टू चैलेंज इट विद द माइंडसेट कि ओके मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा. यू ऑल्सो हैव टू चैलेंज इट विद द माइंडसेट ऑफ बीइंग लाइक ओपन माइंडेड कि परहैप्स अगर आप किसी के माइंडसेट को चैलेंज कर रहे हैं विद सम लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट और वो आपको थोड़ी
ये सबसे बड़ा बैरियर है ना जर्मा, कि हम जब बात करते हैं तो हम जो बात कर रहे होते हैं हम उससे इतने कन्विंस्ड होते हैं खुद में कि हम कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जब हम ये वाली बात सोच के बात करते हैं तो हम दूसरे का वो स्पेस बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि उससे भी कोई सही बात आ सकती है। और कभी भी ऐसे सूरत में कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्टिव नहीं हो सकती, उस कम्युनिकेशन से मिसकम्युनिकेशन जरूर जनरेट हो सकती है, कुछ खराबी जनरेट हो सकती है। सो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो स्पेस आप अपने आंसर के लिए अपने आप को दे रहे हैं, दूसरे आंसर दूसरे बंदे के आंसर के लिए भी आप वो स्पेस क्रिएट करें, और अगर वो आप क्रिएट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल आपसे ज्यादा बेटर कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं होगा। जी जर्मा प्लीज कंटिन्यू, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आ जाएं। तो ये ओपन माइंडेडनेस रखना, अपनी गलतियों को एडमिट करना, तो दूसरों की व्हाट दे हैव टू से यू हैव टू फाइंड इट एक्सेप्टेबल कि पीपल कैन डिसएग्री विद यू एंड दे आर नॉट ऑलवेज लाइकली टू जस्ट लाइक एक्सेप्ट योर फैक्ट एंड लाइक चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम्स आपको जो आपको एक गिवन नॉलेज होती है उससे अगर आपको बियॉन्ड कोई नॉलेज मिलती है तो आपको अपने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप अपना ओपिनियन या अपनी जो किसी चीज किसी एस्पेक्ट पे एक व्यू है वो चेंज कर पाए आप। यूजुअली फातिमा आपसे कुछ बात करना चाह रही है, फातिमा ने हैंड रेज किया। जी फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैसी, मैं ऐड करना चाह रही थी ओपन माइंडेडनेस वाले पॉइंट में दैट अगर हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की भी बात करें तो आई हैव सीन इट इन मैनी पाकिस्तानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मैनी टीचर यू नो बाय मेकिंग इट एन इशू ऑफ ईगो व्हेन अ स्टूडेंट आस्क एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन टू विच दे डोंट नो द आंसर, सो इट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। सो इसमें आई थिंक टीचर्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए दैट अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे नहीं पता तो वो स्टूडेंट को बजाय ईगो का मसला बनाए इस चीज को, एक अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी टीचर से कोई सवाल पूछते हैं और वो उस वक्त उनकी नॉलेज में नहीं होता, या वो उस वक्त जो उनकी क्लास लेसन का एक स्केड्यूल होता है उसमें नहीं होता, या तो वो आपको कह दें कि ओके आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन एट द एंड, या फिर वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लें कि बेटा मुझे इस बारे में अभी नहीं पता, आई विल रिसर्च अबाउट इट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। अगर वो ईगो का एक मसला बना लेती हैं तो फिर वो आपको उसी तरह रोकता है कि फिर बच्चों में यूजली एक ये फियर आ जाता है कि अच्छा मैंने अब अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना। तो यू हैव टू ऑलवेज कन्विंस योरसेल्फ कि एक बैड एक्सपीरियंस डज नॉट मीन कि एवरी एक्सपीरियंस विल बी द सेम। तो समटाइम्स अगर टीचर्स ईगो का मसला बना लेती हैं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो आपको दूसरों की गलतियों का अगर आप अपने आप को ब्लेम देने लग जाए, यू विल नॉट ओनली लाइक लूज योर कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो दूसरों की जो गलतियां होती हैं, दूसरों का अगर वो इतने रिजिड होते हैं कि वो एक एक डिफरेंट ओपिनियन या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन को एड्रेस ना कर पाए या एक व्यू ना ले सकें, फॉर एग्जांपल रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, तो इट डजंट मीन कि आप गलत हैं, इट मीन्स कि बस आप लोगों की क्लैश आई है, लेकिन इट डजंट मीन कि यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद अदर टीचर्स और अदर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। यस थैंक यू, आई थिंक द सेम। हम किसी को और कोई सवाल? शर्मा अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा हो कि आप ऐसे लोगों में हो जो किसी का ओपिनियन जानना ही ना चाहते हो या किसी का ओपिनियन लेना ही ना चाहते हो या कम्युनिकेशन हो ही ना, आप एक ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हो, तो उस वक्त जो है एक इंसान को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? जस्ट फॉर मतलब एक ख्याल आया मुझे कि हम ये वाला भी तो ऐसे भी तो है ना, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं कि लोग हैं जो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते क्योंकि शायद उनके डर जो है उन्होंने उनको इस तरह के डब्बे में बंद कर दिया है कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो शायद हमारा पता चल जाए, और पता चल जाएगा तो इससे शायद हमें नुकसान हो, तो एक डर की वजह से भी तो कम्युनिकेशन लोग बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और बहुत सारे हमारे इदारे ऐसे हैं जहाँ सिर्फ डर प्रिवेल करता है। बिल्कुल, जैसे यूजली हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्टैंड लेना, किसी रिलीजियस कॉज के लिए स्टैंड लेना हम नहीं करते। मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड ग्रुप है तो उसमें एक मुस्लिम है जो हमेशा हम बचपन से यहाँ से रहा है, सो वो काइंड ऑफ लाइक
इतना कनेक्टेड नहीं है रिलीजन से ऑब्वियसली. तो एक और मेरे उसमें एक ऐसी लड़की है जो जिसके पेरेंट्स पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो ये जो इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें उसके पेरेंट्स ने उसको वही फीड किया जो वेस्टर्न मीडिया ने फीड किया. तो हम जब लंच पे बात कर रहे थे तो हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो जो है वो इसराइल को सपोर्ट करी थी. वी डिड नॉट रियलाइज दिस. तो इसमें एक हमारी ये गलती है कि हमने बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ी. तो जब उसने ये बात आगे एक उसने एक ऐसा पॉइंट लिया जो बिल्कुल हमारे सारे ओपिनियन से कंफ्लिक्ट कर रहा था, तो हमें तो पहले हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि ओके हम लंच पे बैठे हैं जहाँ पे हमारी एक फ्रेंड ऐसे सपोर्ट कर रही है एक ऐसे कॉज को जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे. तो उसके बाद फिर हमने अपना टाइम लिया जहाँ पे हम उसको समझा रहे हैं. ऑब्वियसली उसको टाइम लगा ये समझने में कि उसके पेरेंट्स और उसको मीडिया ने जो समझाया वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन सीइंग. तो इन द एंड वो बात उस बंदे पे आ जाती है कि इफ दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट एंड इफ दे आर विलिंग टू लाइक एक्नॉलेज कि वो अंदर से वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं. तो अगर एक डर जो आ जाता है ना आप, या तो होता है कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे कि वो इस बात में बात ही नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ द फियर कि दे विल लूज फ्रेंडशिप्स. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे इतनी मिक्स्ड व्यूज थे कि कुछ मेरे स्टोरीज नहीं लगा रहे थे, वो दोस्त स्टोरीज नहीं लगा रहे थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा दोस्त देख ले जो कि इस कॉज के लिए स्टैंड नहीं करता देन दे माइट लूज अ फ्रेंड. तो इस बारे में हमने ऐसे बात की कि इफ यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल जिनके आपके से बिल्कुल डिफरेंट व्यूज हैं एंड यू आर अफ्रेड टू लाइक शाइन थ्रू, और लाइक आपको अपने साथ ऐसे लोगों से सराउंड करना चाहिए जिनमें आपके व्यूज या तो सुने जाएं या तो आपके कॉमन व्यूज हों. लेकिन अगर... जरा मैं आपकी बात देखें, आपने इस पूरे एग्जांपल में जो आपने अभी दी, आप ये बिल्कुल एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया, इसमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इतना बड़ा पॉइंट आपने कवर किया है कि देखें वो आपने समझा नहीं, लेकिन जब आपको ये पॉइंट आपके तक आया तो आपने उसको रिएक्ट नहीं किया बल्कि आपने अपना टाइम लिया उसको समझाने के लिए. ये वन ऑफ द थिंग है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपने उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया. बिल्कुल. ये जो सबसे अच्छी बात आपकी एक्सपीरियंस मुझे लग रही है कि आपने उसको लेकर बैठे और आपने समझाया. जी आप फौरन ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हाँ तुम तो बिल्कुल गलत हो, तुम कैसे ऐसे कह सकती हो. आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये तो नहीं होगा ना कि उसको पता है गलत साइड है वो फिर गलत साइड को सपोर्ट करे. ऑब्वियसली यही है ना जर्मा, खराबी यही हो जाती है ना कि जब हम उसको उस बात को वो कितनी बड़ी हो हमारे लिए, यानी हम देखें वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि ये कोई ये भी सोच सकता है हमारे सर्कल में, कोई ये बात कैसे सोच कैसे सकता है. तो इस पे तो हमें फौरन गुस्सा और हम फौरन रिस्पॉन्स देंगे. तो अगर हमारी कम्युनिकेशन या अगर हम वाइज नहीं है या हमारा नॉलेज हमें पता है कि कैसे हमने लगाना है तो हम उस पर पहले रिस्पॉन्ड करेंगे. अदर हम उस पर पहले रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे और फिर बात करेंगे जैसे कि आप लोगों ने किया. अगर आप बिल्कुल उस पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं और लाइक कि इसमें आपको गुस्सा आ जाता है और यू फील एंटाइटल्ड कि आपका जो आपका फ्रेंड ग्रुप है उसके सारे ओपिनियंस बिल्कुल आप जैसे होने चाहिए and you don't even bother to explain like the whole situation to someone not knowing ki shayad usko wo side na pata ho jo aapko pata hai, maybe they know something else and that's why they're supporting that side. To aapko apna time lena chahiye, unko ek time dena chahiye. Aap ye nahi keh sakte ki maine samjhaya ab tum foran meri side pe agree karo. You have to give them that space and time to think about it. Effective communication, space and time. Aur aap ye dekho zarma ke kitna zyada फैमिलीज के अंदर ये मसला है कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेकर या टीनेजर्स के या किसी के भी प्रॉब्लम्स को लेकर घरों में अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वहां पर लैक ऑफ दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आप देखें कितने कितने बड़े मसले हो जाते हैं. कोई बड़ा प्रॉब्लम लेकर कोई बच्चा अगर आपके पास आया है बड़ा प्रॉब्लम लेकर अगर वो आ गया आपके पास तो मेरा ख्याल है कि उस पर रिस्पॉन्ड करने या रिएक्ट करने या उस पर खौफजदा होकर उस पर कुछ भी फौरी एक्शन करने के बजाय आपको उसको सुनना चाहिए. और फिर जैसे कि लिसनिंग, आपने एक पॉइंट का मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मिसिंग है, घरों में मिसिंग है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मिसिंग है. हमें इस पर बहुत काम करने की जरूरत है. जी जरूर. यस, आप अपने पेरेंट्स को कोई बात समझाना चाह रहे हैं, वो आपको कोई बात समझाना चाह रहे हैं एंड यू डोंट गिव ईदर ऑफ यू द टाइम टू एक्नॉलेज और उस बारे में सोचने के लिए, और आप उनको प्रेशर करते हैं कि अभी या तो चेंज करो या अभी मेरी बात मानो, तो
उससे फिर वो एक पूरा एक लेवल जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है. तो आपको मेंटेन रख के उनको टाइम और स्पेस देना चाहिए टू ग्रो और टू चेंज देयर ओपिनियन. आप देखो ना, यंग जनरेशन का यही तो एक प्रॉब्लम है कि वो किसी चीज में से गुजर रहे हैं लेकिन हमने चूंकि कम्युनिकेशन का कोई चीज रखी नहीं है आपस में. हम चूंकि बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, हम कहते हैं हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है ये होना चाहिए क्योंकि हम ये कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो तो रही नहीं. तो फिर बच्चे आपको किसी और जगह नजर आएंगे, वहां बात करते हुए नजर आएंगे जहां उनको लगता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोई दूसरा सुन रहा है. तो ये अगर घरों में भी सही हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारा 99% प्रॉब्लम्स जो है यहीं पर रिजॉल्व हो जाए, हमें कोई मुश्किल ना हो. बिल्कुल. अगर एक चाइल्ड या एक पेरेंट अपने बच्चों से अप्रिशिएटेड और लाइक फील दे डोंट फील सीन और हर्ड, तो फिर यस दे टर्न टू अदर वेज टू लाइक गेट दैट इम्पोर्टेंस, गेट दैट एक्नॉलेजमेंट. और ये काफी दफा स्पेशली इन लाइक यंगर टीनेजर्स और लाइक चिल्ड्रन, तो ये काफी दफा काफी मिस्टेक्स की तरफ लीड कर सकते हैं. सो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ हैव टू लर्न हाउ टू लाइक कम्युनिकेटली एक्सप्रेस देयर इमोशंस ताकि उनके दरमियान वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो वो जो रिलेशनशिप होता है एक पेरेंट्स और बच्चों का. ड्रॉप हो गए. आसिफा बात करना चाहती हैं. आसिफा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब हमारे आपने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि घरों में जो कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, सुना ना जाना या दूसरी चीज़ें, वो हमारे साथ सारी ज़िंदगी चलती हैं. एक टाइम पे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है चीज़ों को ओवरकम करके, खुद को शो करने के लिए, अपनी असल स्ट्रेंथ को जानने के लिए एक टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, या कभी कभार लगता है कि नहीं ओवरकम कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे. पर इन सब चीज़ों, इस तरह की सेमिनार्स के थ्रू हमें बहुत मतलब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, कभी भी हम इस तरह नहीं, एक पॉइंट पे नहीं आ सकते कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, पर हम कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. और इंस्टीट्यूशंस हों, अपने आसपास के लोग हों, स्कूल में बुलीज हों या कुछ भी हो या कहीं भी, तो हम उनसे भी कम्युनिकेशन कर पाएं. ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट था कि कोई अगर आपकी बात को नहीं समझ पा रहा तो हम बात करना छोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो प्रोलोंग हो जाता है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है. बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बिल्कुल बोलना छोड़ देते हैं, और जब हम बुली होते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. तो हमें अपने साथ साथ लाइक हमें अपने आप से बात करनी चाहिए. वी हैव टू कन्विंस आवरसेल्व्स के जस्ट बिकॉज समबडी होल्ड्स सच एन ओपिनियन, it doesn't mean they're always right. तो अगर कोई आपको bully कर रहा है, you don't have to let those words get to you. आपको उन words से believe करना चाहिए जो आपके parents आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके teachers आपकी तारीफें कर रहे हैं. तो ये एक human nature है कि we choose to focus on that one negative comment rather than those like whole जो हमें compliments मिलते हैं, हमारी praises होती हैं. तो ये अगर आपका अपने साथ एक communicative और effective like अच्छा एक strong relationship hai, then you're able to overcome these things strong like quicker and like better. to aap inse zyada jaldi nikal aate hain. to isliye apne aap se ek jo communication ka level hai wo rakhna chahiye jisme aap apne aap ko samjhaye ki I have to pull through this situation, ye mujhe hurt kiya lekin ab I have to let go of it. to ye bahut important hai. yes, having conversation aur apne aap ko samajhna sabse zyada important hai. bilkul. स्पेशली अगर आपका एक बहुत कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप नहीं रहता अपने पेरेंट्स के साथ, काफी जो बच्चे होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है इस चीज से निकलने के लिए, टू लाइक फॉर्म स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स और लाइक बाहर. तो क्योंकि वो लाइक काफी बच्चे लाइक बिल्कुल खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ वो एक कम्युनिकेटिव लेवल नहीं रहता बचपन से. तो आपको और सर ये भी हो जाता है कि अप्रूवल पे लग जाते हैं बच्चे.
जी बिल्कुल, आपको अपडेट नहीं मिल रहा होता। यस, तो अगर आपको एक साइड से नहीं मिल रहा, यू हैव टू कम्युनिकेट देयर। आपको वो एक कमी किसी और गलत जगह या किसी और से पूरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ से वो कमी पूरी होनी चाहिए आपको वहां से कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि 99% केसेस होते हैं पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, बट इफ यू कम्युनिकेट, वो आपके पेरेंट्स हैं, इन द एंड दे विल अंडरस्टैंड, दे विल लव यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग और गोइंग थ्रू। तो आपको बस अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी चैलेंजेस अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए। लाइक इवन लाइक राइट नाउ कि मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इतनी बिजी क्यों हूँ, मेरे कॉलेज का स्टफ क्या चल रहा है, तो मुझे बैठ कर उनको समझाना पड़ता है कि अच्छा मेरी अब ये डेडलाइन है, तो मुझे इन दिनों में लाइक मुझे कम, मतलब मैं कम नजर आऊंगी, और अब मेरी ये डेडलाइन है, अब मुझे आफ्टर स्कूल इस दिन रुकते हैं। तो वो अगर मैं उनको अहेड ऑफ द टाइम, और सिर्फ एक दफा नहीं क्योंकि उनको मुझे काफी दफा रिमाइंडर्स देने होते हैं। ये बहुत प्यारी बात की जर्मा ने, मैं जर्मा की बात को रोक के यहाँ पे रीइंफोर्स करना चाहती हूँ कि देखें अगर आपको ये नहीं मिल रहा अपने घर में, तो ये एक बंदे को कफर्ज बन जाता है कि वो कम्युनिकेट करे। सो इफ यू अर्न रिलायबिलिटी, इफ यू टेल देम कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो वो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स हैं। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको बड़ा किया है, वो आपको यहां तक लाके खड़ा कर रहे हैं। सो आपको वो सुनेंगे, तो जो बैरियर आपने बनाया हुआ है उसको आपको हटाने की बहुत जरूरत है और कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है बाज़ दफा हम ये भी खुद भी बना लेते हैं। जर्मा इतना मजा आ रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि हम इस सेशन को खत्म करें, लेकिन हमारा जो टाइम है सेशन का खत्म हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको समराइज करें और फिर हम इसको एंड करते हैं। बिल्कुल, इन द एंड यही है कि आपको ना सिर्फ अपने आप से बल्कि दूसरों से बिल्कुल जो बातें होती हैं वो अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए, किसी को कोई बात बुरी लगी है उनसे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि मोस्ट केसेस में ये होता है, आपकी एक छोटी सी बात होती है जिसको आप अज्यूम करके या ओवरथिंक करके इतना बड़ा कर देते हैं, जो अगर आप उनसे कम्युनिकेट करें वो वहीं खत्म हो जाती है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। टीचर्स से हो तो छोटी सी बात समझ नहीं आती, आप पूरा क्लास पीरियड सुनना बंद कर देते हैं। तो आपको वो समझना चाहिए, उसी वक्त रोक के पूछना चाहिए ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी क्लास में रह सके। तो ये रिलेशनशिप्स में अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख जाएं, तो ये ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका रिलेशन आपके अपने साथ स्ट्रेंथन करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो बंदा दुनिया का मजबूत तरीन बंदा है, वो शख्स मजबूत तरीन है, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, जो अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना जानता है। और मुझे लगता है जो कर लेता है ये काम, वो अपने इर्द गिर्द भी बड़ा क्लैरिटी से कम्युनिकेट कर सकता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को बार बार ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो और जानो कि आप क्या करना चाहते हो, तो ये चीज आपको क्लैरिटी देगी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अदर। थैंक यू वेरी मच जर्मा, बहुत बहुत ही मजा आया, एंड इट इज ट्रूली वंडरफुल टू सी यू इन सच एन एनर्जेटिक मोड अगेन। बहुत अच्छा लगा और बड़ा हमारे लिए, मेरे लिए एजाज की बात है कि जर्मा ने इतनी बड़ी अच्छी बातें की, जो कि वाइज बातें हैं, जो कि आपके विजडम को ऐड करती हैं। ये नॉलेज तो एक चीज होती है ना, एक नॉलेज का बैग तो जर्मा का हमेशा से भरा हुआ था। मतलब मुझे लगता है ग्रेड 5 तक मैं अगर जर्मा को बताऊं तो इसने सारी जो है किताबें अंग्रेजी की घोल के पी ली, क्योंकि ये किताबों किताबी कीड़ा थी, पढ़ने का इसे बहुत शौक था। फिर ये सोशली भी बहुत सोशल, सारी दुनिया से इसकी दोस्ती थी। तो अब एक जो है वो एक मैम आपकी बातों पे जर्मा हंस रही है। हाँ हंस रही है क्योंकि जर्मा की बहुत सारी बातें मैं जानती हूँ ना, इसलिए जर्मा को हंसी आ रही है। और अब इतनी वो वेरी वंडरफुल स्पेशल, बहुत वंडरफुल वंडरफुल। ओके मैम, बहुत बहुत अच्छा हुआ जर्मा, इट्स व्हिच वाज वेरी नाइस। And I just want to add one thing. हमारे private sector में, corporate world में ना एक बड़ी मशहूर saying है कि जो आपकी 80% जो job है ना, no matter what the skill is, आपको कौन सी industry में काम करें, the 80% of the job is communication. Communication. And the 20, yes. And the 20% is skill. So 80% is communication. And I think हम अगर हमने communication को
परफेक्ट कर लें तो सक्सेसेस आर फेल. यस डेफिनेटली. या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड एंड थैंक यू सो मच Zarma एंड Miss Asia एंड एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. नो प्रॉब्लम. थैंक यू Zarma. थैंक यू. यस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी.